बाहरी उत्तरी दिल्ली के अलीपुर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच गुरुवार को मुठभेड़ होने की बात सामने आई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार अलीपुर में एक चिकन व्यापारी की हत्या करने के इरादे से आए बदमाशों ने व्यापारी की गाड़ी पर फायरिंग की थी। बताया जा रहा है कि फायरिंग की घटना में चिकन व्यापारी को गोली लगी है, जिससे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, जिसके बाद उन्होंने काफी दूर तक बदमाशों का पीछा किया। हालांकि बदमाशों ने सरेंडर करने के बजाय पुलिस टीम पर कई राउंड फायरिंग कर दी। इस पर पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई, जिसमें दो बदमाशों को गोली लग गई। पुलिस तीन में से दो बदमाशों को दबोचने में सफल रही, वहीं एक बदमाश मौके से फरार होने में सफल हो गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार गोली लगने के बाद घायल चिकन व्यापारी को गंभीर हालत में मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। वहीं इस वारदात के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। कहा जा रहा है कि ये बदमाश गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया गैंग के हैं। इस मामले में पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मुहैया कराई गई है। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस मामले में आगे की छानबीन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।